मान लो इसका मीडियम है एन वन और दूसरे मीडियम है एन टू तो दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो मान लो एन टू जो है वो ज़्यादा है एन वन से तो वो नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ पर मीडियम के चेंज होने से यहाँ पर फिनोमेना कौन सा लगा रिफ़्रैक्शन का सो so ये उसी रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है अब आगे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है आइए फिर से पढ़ते हैं वेन अ बीम ऑफ लाइट क्रॉसेस द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया देन पाथ इज़ अल्टर डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मटीरियल यानी कि यहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इस वजह से जो पाथ होगा इस लाइट का वो अल्टर हो जाएगा चेंज हो जाएगा द ग्रेटर द डिफरेंस द ग्रेटर इज द रिफ्रैक्शन जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इसमें रिफ्रैक्शन होगा फॉर एक्चुअली नेचुरली अक्रिंग मटीरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक हम लोग क्या वज्यूम कर रहे थे जितने भी हैं, उसमें हम हम लोग लोग कर रहे थे कि कि जो इंडेक्स होता है, यानी बराबर हम लोग क्या करते वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में तो ये हमेशा अभी तक हमको दिख रहा था कि वो पॉजिटिव होता है हम अभी तक क्या जानते थे कि भी नेचुरल मटेरियल में वो पॉजिटिव होता है लेकिन 1967 में सोवियत फिजिसिस्ट विक्टर वेसेलेगो ने क्या हाइपोथेसाइज किया कि एक ऐसा मटेरियल भी पाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव भी होता है और वो एग्जिस्ट भी करता है बिना किसी फिजिक्स के लॉ को वायलेट किए हुए वैसे लैगो ने यह भी प्रेडिक्ट किया कि जितने भी नए ऑप्टिकल फिनमिना हम लोग को देखने को मिलेंगे वो इन सभी मटेरियल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा मटेरियल नहीं खोजा जिसको वैसे लैगो ने प्रेडिक्ट किया हुआ था लेकिन रिसेंटली में एक ऐसे मेटा मटेरियल को सैंपल को कलेक्ट किया गया और उसको टेस्ट किया गया जिसमें निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया जाता है लेकिन इन एक्सपेरिमेंट ने यह शो किया कि इसमें नेगेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल उसमें सिग्निफिकेंट लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं और ये इसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी नेगेटिव इंडेक्स मटेरियल्स की यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है स्नेल्स लॉ भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है जो स्नेल्स लॉ होता है क्या होता है एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू थीटा वन क्या होगा जो इंसिडेंट एंगल है और थीटा टू क्या होगा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है एन वन और एन टू क्या है मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो गया स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ भी यहाँ पर क्या होता है अप्लाई कर सकते हैं हम लोग निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटीरियल पर लेकिन जो डायरेक्शन होगी रिफ्रैक्टेड लाइट की वो क्या होगी मिरर इमेज होगी अबाउट द नॉर्मल टू द सरफेस अब आइए जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निगेटिव होता है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है सो so, यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड किया हुआ है और यहाँ पर एक फिश है यहाँ पर क्या है एक फिश को दिखाया गया है और ये जो वाटर इसने लिया हुआ है ये वाटर कैसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इसने पॉजिटिव लिया हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट थ्री थ्री सपोज कलो लिया हुआ है और यहाँ पर नीचे एक जो इमेज बनाई हुई है यहाँ पर जो वाटर लिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने क्या बोला हुआ है माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री बोला हुआ है तो लिखा क्या हुआ है देयर विल बी एन इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन द इमेज फॉर्मेशन इफ द वेसल इज फिल्ड विद नेगेटिव वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1.33 वन इंस्टेड ऑफ रेगुलर वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 से देयर इज अ फिश इन द वेसल फिल्ड विद नेगेटिव वाटर द पोजीशन ऑफ द फिश इज सच दैट द ऑब्जर्वर कैन नॉट सी ड्यू टू इट्स नॉर्मल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सिंस द रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट रीच टू द आई अब यहां पर देखो अगर वाटर में जो पॉजिटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसिडर करें तो रे जो होगी वो यहाँ से निकलेगी और ऐसे बाहर चली जाएगी ये हो गया नॉर्मल केस ये हम लोग नॉर्मली ऑब्ज़र्व करेंगे हमें यहाँ पर फिश नहीं नज़र आएगी लेकिन अगर यहाँ पर वाटर ऐसा फिल करे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नगेटिव में हो तो ये पहले रे यहाँ से ऐसे निकलेगी और उसके बाद ये हमारी आंखों तक ऑब्ज़र्व हो जाएगी तो ये फिनोमेना हमको देखने को मिलता है निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और इसने स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ बट ड्यू टू निगेटिव रिफ्रैक्शन ही विल बी एबल टू सी सिंस द रिफ्रैक्टेड रे नाउ रीचेज हिज आइज अब जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी आंखों तक पहुँच रही है अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज स्नेल्सलॉ एप्लीकेबल फॉर निगेटिव रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ निगेटिव रिफ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है तो इसका आंसर है येस yes. कैसे आइए देखते हैं अगर हम लोग किसी ऐसे मटेरियल को कंसीडर करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव है ठीक है तो यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी मान लो ये जो मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं ये पहले वाले मीडियम से डेंसर है तो लाइट क्या होगी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी बट अगर हम सेम मटीरियल लें और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नगेटिव हो तो अब नॉर्मल के दूसरी साइड पर नहीं जाएगी इस साइड पर नहीं आएगी वो जो हमारी रे होगी वो क्या हो जाएगी मिरर इमेज हो जाएगी यहाँ पर मतलब कि नेगेटिव साइड पर ये शिफ्ट हो जाएगी यानी कि ये क्या हो जाएगा ये मिरर इमेज की तरह काम करेगा एक समझ लो मिरर बन गया है नॉर्मल हमारा और जो रे होगी रिफ्रैक्टेड रे वो किधर आ जाएगी दूसरी साइड पर आ जाएगी बट जो एंगल होंगे सपोज़ कर लो यहाँ पर एंगल आई से हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं और ये भी एंगल आई है और यहाँ पर ये जो रे है ये आर है जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको हमने आर माना हुआ है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन माना हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी माइनस एन माना हुआ है मतलब निगेटिव साइन के साथ कंसिडर किया हुआ है ताकि निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शो कर सकें तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो भी क्या बनाएगी सेम एंगल बनाएगी आर जो कि ये वाला एंगल होगा और लेकिन वो जो रे होगी वो अब अब नॉर्मल के दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएगी तो यही बेसिकली होता है निगेटिव रिफ्रैक्शन में ठीक है तो आंसर क्या होगा यस होगा स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल थैंक यू क्लास एक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीड आईआईटी जी मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटवर्क या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स पर